जय गुरु। आगे और सुंदर सुंदर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस करना ना भूले। जय गुरु। माय श्री ठाकुर मोर जगत जननी श्री लक्ष्मी माँ परम पूज्यपाद श्री वरदा आज रसा आचार्य देव चरण में मोर अनंत कोटि प्रणाम। ठाकुर परिवार सभी समस्त चरण में मोर अनंत कोटि प्रणाम। मोर अध्यक्ष करुवा ऋतिक देवता मंडली गुरुभ्राता मातृमंडली छोट छोट पिला समस्त मोर आंतरिक राय और जय गुरु। बहाह आलोचना करी जितेबले आम प्राय लक्ष्य करू जो मैंने गोटे कन्या को से कौनसी पिला को देखती से सौंदर्यटा को देखती विशेषकर आउ कौन देखा जाए जे जदि कौनसी दु जन का जातक मेलक हुए मिनिमम 18 गुण जदि तार मिसी जाए ताले आमे भाबू से बाहाघरटा भल बोलिकिना। आउ किसी जगार बहुत किसी देखा जाए जाति गोत्र को आरंभ करी कुल वंश को देखी यू बहाघर हुए कौन एतिकी देखिले गोटे बिवाह सफल हुए यहाँ कौन आम ही भाविचु जे इतकी देखिले बहटा सफल हो जाए बोलिकिना किंतु मु भावे तापर मध्य आहुरी बहुत किसी रही बहुत पाए जोटा बहुत आवश्यकता जिनस गुण मिसीगले जे गोटे बहटा सफल हो नुहे बहुत जगार देखाई 36-33 गुण मिसीगला भी डाइवोर्स केस हो स्वामी मृत्यु भी होकर भी मनमालीन जीवन सारा रही जा तार सब कारण कौन आज ताऊपर आलोचना करी जदि जनकार जातक ना तो सीए किपर बहुत सीए कौन बहुत करें बहुत जगार देखा जा बहुत जन जातक न थाए तो से क्षेत्र में सी किपर बहुत करदी जड़े अदर कास्ट रे मेरेज करे शास्त्र कौन कही तार परिणाम कौन हम ये आज आलोचना करी प्रथम आलोचना करी जे खाली गुण मिसीगले जातक मिसीगले बा सौंदर्यर कौनसी पराकाष्ट पिला झीर कौनसी गवर्नमेंट चाकरी कौनसी बड़ बिजनेसमैन देखी जो आम बहुत करूचे तार परिणाम कौन हम बाकी छड़ा आउ कौन आमको देखापी पड़ो तापर मुझ आलोचना प्रथम करी तो प्रथम आम ये गुण कथा कहते गुण को बाद देला प्रथम आम गोटे जिन देखा जे ज्येष्ठ पुत्र सहित ज्येष्ठ कन्यार बहुत हुए ना यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट सातटा मु पॉइंट कह जो पॉइंटा कि गुण चेहरा वंश परंपरा को छाड़ी आउ सातटा पॉइंट निहाती देखा आवश्यकता रही जातक मेलक परे मध्य एगुड़ाक देखापी पड़े जातक मेलक गोटे सेपरेट कथा से निहाती आवश्यकता रही जातक मेलक तापर मध्य ये जिनस गुड़ाक देखा आवश्यकता रही जड़े जदि सुख दाम्पत्य जीवन बीतवाई चाहे ताने ज्येष्ठ पुत्र सहित ज्येष्ठ कन्यार विवाह हुए ना ताकु दि ज्येष्ठ कह जाए जदि कौनसी माँ गर्भपात हो जाए तापर जो संतानटा जात हुए धरी नि दीटा गर्भपात होपर जो संतानटा हुए ता ज्येष्ठ संतान नुहे से तृतीय संतान हुए गोटे जदि गर्भपात होने से सेकेंड बा द्वितीय संतान कह तेणु ता सहित ज्येष्ठ कन्यार विवाह हो पाए किंतु जदि प्रथम पुत्र आ प्रथम कन्या ताहले तांकर दि ज्येष्ठ हो जाती तांकर विवाह न करिबा ही भलो सेठरे बहुत प्रॉब्लम देखा जाए। तापरे गोटे जिनसटा होची गोटे समय रे दीटा संतान रो मैरेज केबे भी करिबे नाही गोटे माँ गर्भरु जात दीटा संतान एका सहित केबे मैरेज करिबे नाही मिनिमम 2 मास अंतर मैरेज करिबार आवश्यकता रहिची जदि मैरेज करूछंती तार विधान अच्छी कौन जे दीटा बेदी हवा दरकार दीटा ब्राह्मण हवा दरकार पुओ घरे भी झीओ घरे भी आउ गोटे बहुत इम्पोर्टाट जिनस कौन रोच तृतीय जे गोटे पर दि भौणी को केबे आनिबे नी बा दि पुओ को केबे देबे नहीं गोटे पर दि भाई केबे भी मैरेज करिबे नहीं सेटा भी बहुत गुड़ा जगार देखा जा तांको भितरे भाई भाई भितरे परिवार वर्ग भितरे तांकर विभ्राट बहुत देखा दी बहुत क्षेत्र रे देखा जाए गोटे दुईटा कौटा ठीक हो पारे तापरे कौन रोची कौनसी पुओर जन्म नक्षत्र पुओ बा झीर जो जन्म नक्षत्र से जन्म नक्षत्र रे विवाह करिबे नाही चतुर्थ पॉइंट अच्छी
जे जो जन्म नक्षत्र रे से जन्म हेतिबो सेई जन्म नक्षत्र रे तार विवाह करिवे नाही। एटा भी बहुत विपद पूर्ण। तापरे कोन अछि जे दुई पुओ सहित दुई झियर मु जो कथाडा कहतली दुई पुओ सहित दुई झियर गोटे परिवार रे केबे भी मैरिज करिवे नाही। दुई भाई जेमति धरतु गोटे मां गर्भ हां कका पुओ बा हेई पारे किंतु गोटे मां रो गोटे संतान से माने विवाह करिवे नाही। आउ कौन रही ची? जे जो मासरे पुअर जन्म ही थी वो, जो मासरे पुअर जन्म ही थी वो, बस ये झियर जन्म मासरे कौनसी भी पुअवा झियर हो, जन्म मासरे विवाह करिबे नै। जेमति धरंदो चैत्र मासरे बा वैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ श्रावण ए मासरे जो माने जन्म ग्रहण करथिबे सेई मासरे तांकर विवाह घर मटे करिबे नै। आउ जदि कौनसी झियर स्वामी मृत्यु वरण करिथांती ताले सेई झियो को मध्य कहा सहित तो विवाह करिवे नाही। जदि कोनोसी झियो धरिने तो विवाह दे छथि 2 मास परे तारे मैरिज हि जेउची ताले सेई भलिया जगह रे कोनोसी प्रकार रो से झियो को अन्य कहा सहित तो मैरिज देबे नाही। सेटा होउची निजो कुलर निजो वंशर सहित तो तार सहित तो तार अनिष्ट हे चलिबो वंश सारा। ताले जातक मेलक परे एई सातटा पॉइंट को लक्ष्य करिवार बहुत आवश्यकता रहिछि। तापरे जदि कोनोसी झियर बा पुअर विवाह होउ नाही ताले ता पई कोन सोलुशन अछि हेइ थाइ परे सप्तम ग्रह रे बा सप्तम घरे जातकर विभिन्न प्रकार समस्या हेइ पारे खाली गोटे समस्या नुहे सेइत परे केतु राहु रो भी प्रॉब्लम हेइ पारे बा विभिन्न प्रकार प्रॉब्लम हेइ पारे सेइ क्षेत्र रे बा वैधव दोष थाइ पारे मंगल दोष थाइ पारे सेइ क्षेत्र रे पुअर अर्क विवाह हुए आउ झियर कुंभ विवाह हुए ए दीटा विवाह हुए। से विवाह केमिति हुए से विवाह अर्क होची अर्की होची के जे हमरे जानिछु जे सूर्यंकर तीनोटी संतान थिले प्रथम हला जम द्वितीय होची झियोटी यम यामी आउ तृतीयटी होची शनि। तो यामी को अर्क बोली कहा जाए अर्की बोली कि ना कहा जाए। तो जहाँ भी अर्क होची आम साधारण भाषा रे तुला गछ भी कहू अर्क माने तुला। तो जदि कौनसी प्रकार पिलार से भाया बहुत हो न थाए कौनसी प्रॉब्लम थाए बहुत झील मैंने रही जाती कार 33 वर्ष 34 वर्ष 40 वर्ष भी हो जाए बह हुए तो से भाया क्षेत्र में प्रथम एलर्ट होगा दरकार। जदि कौन बरपात्र आसर 3-4 बरपात्र भांगी जा किसी प्रॉब्लम क्रिएट हो क्षेत्र में कौन करदी कौन वैधव दोष थाए सप्तम घर में कौन प्रकार दोष थाए से क्षेत्र में पिलार अर्की बह हम अर्की विवाह कौटी हे जे घर मिनिमम 15-20 किलोमीटर दूर रे कौन मंदिर रे झीर भी से भाया। तो से कौन गोटे तुला गच सहित विधि विधान सहित तार विवाह हे जदि तुला गच न थाए ताने जीवंता कदली गच जोटा कि कटा हो ना डाल आनी गोटे जगह तुपी देकना बहुत करवा से कौन सफल हम ना जीवंता गच जदि जीवंता गच से मंदिर न थाए ताहले दी दिन आगरो गुटे गच्छ आनी सेठी लगेया पई पड़िबो ताकु पानी देई किना बंचे किना रखिया पई पड़िबो। ता सहित जो दिन विवाह दिन अछि सेई दिन ताकु पूरा विधि माफिक विवाह होबो मंगल सूत्र पिंधया पई पड़िबो। तार तार ब्राह्मण माने सब जानि छथि केमिति कोन सब करा जाय कला परे देखिबे सेई जे जहार विवाह भी होउ नै तार विवाह हेइ जाय। आम विभिन्न जगह आम देख गुणीगारेटी देखाऊ डेवरिया पिंधाऊ को मंदिर गोटे तंबा नाग दान कर भी बहुत ब्राह्मण कहते से गुड़ाक सफल हुए ना मुझे बुझे मुझे ज्योतिष शास्त्र में मुझे पढ़ी से कथा आपण मान विषय मुझे कहीदी तापर आलोचना करी एटा है जदि ये जतक देखी सारापर बाकी एक्सट्रा कौन देखापी पड़े ता मु आलोचना कली या आपको कहबी जदि कौन व्यक्ति अदर कास्ट रे मैरिज करे शास्त्र कौन कहे बहुत जगार देखा जाइए बहुत पिला माने भाई माने नीच कास्ट मैरिज कर नीच उच्च कास्ट झियो नीच कास्ट को जाती उच्च माने जड़े नीच कास्ट पिला उच्च रे विवाह होती ये विभिन्न प्रकार समस्या अदर कास्ट मैरिज जोटा कि बहुत जगार देखा जाइए कौन हुए से विवाह रे तार कूल वर्ण तार ध्वंस हो जाए सी कौ कूल ररी नियंतु गोटे शूद्र घर झील गोटे ब्राह्मण पिला को मैरेज कला ताले से ब्राह्मण पिला बा से शूद्र झील सी कौ कूल रो वंशर है कौ वर्णर है से तो दिज मिक्स हो गले
ତେଣୁ କୁଳ ବଂଶ ଜାତି ଗୋତ୍ର ତାଙ୍କର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଗଲା ସେମାନେ ପିଣ୍ଡଦାନର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷକୁ ସେମାନେ ପିଣ୍ଡଦାନର ଅଧିକାରୀ ହେଲେ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ସେମାନେ କେଉଁ କୁଳକୁ ସେ ପିଣ୍ଡଦାନ ଦେବେ, କେଉଁ ବଂଶକୁ ପିଣ୍ଡଦାନ ଦେବେ, କେଉଁ ଜାତିକୁ ପିଣ୍ଡଦାନ ଦେବେ, କେଉଁ ଗୋତ୍ରକୁ ପିଣ୍ଡଦାନ ଦେବେ, ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କଥା। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା କ'ଣ ହେଉଛି ଯେ ଯଦି ଜଣେ ଅଦର କାଷ୍ଟରେ, ଯେ ସ୍ୱୟଂ ବିଷ୍ଣୁ ବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୀତାରେ ସେଇ ଜିନିଷଟା କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଅଦର କାଷ୍ଟରେ ଜଣେ ମ୍ୟାରେଜ କରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ରୋଗର ସଞ୍ଚାରଣ ସିଏ କରେ। ରୋଗର ସଞ୍ଚାରଣର ତାର କ'ଣ ପ୍ରମାଣ ରହିଛି, ଯୋଉ ସେଇ ଅଦର କାଷ୍ଟରେ ଯଦି ବହୁତ ଲୋକ ବିଭିନ୍ନ, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜରେ ଅଦର କାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରିବାର ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଏଇ ବୃଦ୍ଧି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଏ ଯେ ଯୋଉମାନେ ଅଦର କାଷ୍ଟରେ ମ୍ୟାରେଜ କରୁଛନ୍ତି ସେଇ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ରୋଗର ଗ୍ରୋଥଟା, ବା ଦି ଜଣଙ୍କର ତ ଜିନ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ହେଇଗଲା ନା, ଗୋଟେ ଶୂଦ୍ରର ଜିନ୍ ଗୋଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜିନ୍ ଅଲଗା ହେଇଗଲା, ତାଙ୍କର ମିଳନରେ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ମାନେ ଜାତ ହେଲେ ସେମାନେ ଏଇ ସଂସାର ପାଇଁ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ ଗୋଟେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ବା ବିରାଟ ବଡ ଗୋଟେ ପରମାଣୁ ବୋମା, ସେମାନେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର ହେଇଗଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ଆମେ ଦେଖୁ ଯେ ଫରେନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିରୁ ଏଡ୍ସ ରୋଗଟା ଆସିଛି, କାହିଁକି ତାଙ୍କର ବିବାହ ସଂସ୍କାରଟା ଆଗରୁ ହିଁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା। ତେଣୁ ତ ଏଇ ଏଡ୍ସ ରୋଗଟା ଆମ ଇଣ୍ଡିଆକୁ କେଉଁଠୁ ଆସିଛି, ଫରେନ୍ରୁ ଆସିଛି। ତାର କାରଣ ହେଲା ଫରେନ୍ରେ ବିବାହ ସିଷ୍ଟମଟା ଆଗରୁ ହିଁ ଖରାପ ଅଛି। ଆଉ ଆଜି ଭାରତରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ରୋଗ, ତାର କାରଣ ରହୁଛି ଏଇ ବିବାହ ସଂସ୍କାରର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ପାଇଁ। ଆଜି ଦେଖିବେ ସବୁଠାରୁ କରୋନାର ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଛି ମୁମ୍ବାଇରେ, ମୁମ୍ବାଇରେ କାହିଁକି ସେଠି ବିବାହ ସଂସ୍କାର ହିଁ ଠିକ ନାହିଁ, କାହିଁକି ସେଠି ସିନେମା ଜଗତରେ ସବୁ ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକିନା ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତ ସେଇଠାରେ ସବୁଠାରୁ ହାଏଷ୍ଟ ଡକ୍ଟର ମରିଛନ୍ତି, ହାଏଷ୍ଟ ମଣିଷ ମରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଲକଡାଉନ ସେ ମୁମ୍ବାଇରେ ହିଁ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଯଦି ସମସ୍ତେ ଅଦର କାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କରନ୍ତି ଏଭଳିଆ ରୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯାହାର ସମାଧାନ ହିଁ ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଅଦର କାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ କଲେ କ'ଣ କ୍ଷତି ହେବ ସମାଜ ପାଇଁ, ତାହା ହେଉଛି ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର ମତରେ ବି ଅଛି। ଯଦି ଜଣକରେ ଜାତକ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ କିଭଳି ବିବାହ କରିବ, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ଜାତକ ନାହିଁ ତାହେଲେ ସେ ବିବାହ କେମିତି କରିବ, ତାର ତ ଗୁଣ କେବେ ବି ମିଶିବ ନାହିଁ, କାହିଁକି ଜାତକ ନାହିଁ, ଡେଟ୍ ନାହିଁ, ଟାଇମ୍ ନାହିଁ, ତ କେବେ ବି ମିଶିବନି। ତେଣୁ ତାକୁ କ'ଣ କରାଯାଏ, ନା ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମେ ମେଳକ କରାଯାଏ, ପ୍ରଥମ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଦରକାର ଯେ ତାଙ୍କର ରାଶି ଅନୁସାରେ ତାଙ୍କର ପଟୁଛି କି ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଯିବ ଯେ ତାଙ୍କର ପରିବାରରେ, ଦୁଇ ପରିବାରରେ ପୁଅ ବି ଝିଅର ପରିବାରରେ ତିନି ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ'ଣ କ'ଣ ରୋଗ ଅଛି ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ତିନି ପୁରୁଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିନିମମ, ଆହୁରି ଦେଖିଲେ ଆହୁରି ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ତିନି ପୁରୁଷ ମିନିମମ କ'ଣ କ'ଣ ରୋଗ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖିବା ପଡ଼ିବ। ତୃତୀୟରେ କ'ଣ ଅଛି ଯେ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ଯେ ଗୋଟେ ପୁଅ ପାଖରୁ ଝିଅର ଶିକ୍ଷାଗତ ନିହାତି କମ୍ ରହିବା ଦରକାର। ଚତୁର୍ଥରେ ତାଙ୍କର ବଂଶ ପରମ୍ପରା, ଝିଅ ଅପେକ୍ଷା ପୁଅର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକ ହେବା ଦରକାର, ଯଦି ଝିଅର ସମ୍ପତ୍ତି ଅଧିକ ଥାଏ ତାହେଲେ ତାର ଅହଂକାର ବଢ଼ିଯାଏ, ତେଣୁ ସେଇଟା ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ପଞ୍ଚମରେ କ'ଣ ରହିଛି ଯେ ପୁଅର ବୟସ ଆଉ ଝିଅର ବୟସ ମିନିମମ୍ ଡିଫରେନ୍ସ 15-20 ବର୍ଷ ରହିବା ଦରକାର, ଆଉ ପୁଅର ବୟସ ସମାନ ସଂଖ୍ୟା, ପଞ୍ଚମ ନିୟମ ଅଛି, ପୁଅର ବୟସ ସମାନ ହେବା ଦରକାର ନୁହେଁ, ଯେମିତି ଝିଅର ବୟସ 24 ଅଛି ଆଉ ପୁଅର ବୟସ 28 ଅଛି, ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ ସେମ୍ ସଂଖ୍ୟା, ଧରିନିଅନ୍ତୁ ଝିଅର 23 ଅଛି ପୁଅର 28 ଅଛି, ତାହେଲେ ବିବାହଟା ଠିକ୍ ହେବ। ଏଇଟା ବି ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଗଣନାର ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଦ୍ୟା ଗୋଟେ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ସଂଖ୍ୟା ଗଣନାଟା ଦେଖାଯାଏ, ତେଣୁ ବିଜଡ଼ ସଂଖ୍ୟାର ଦୁଇ ଜଣକା ରହିଲେ ଆହୁରି ଭଲ, ନହେଲେ ଗୋଟେ କାହାରି ବିଜଡ଼ ସଂଖ୍ୟା ନିହାତି ରହିବା ଦରକାର। ତାପରେ କ'ଣ, ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାଟାକୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ସେ ଝିଅ ପିଲାଟି, ସେ ପରିବାର, ସେ ସମାଜ, ସେ ଗାଁରେ ତାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ତାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି, ସିଏ କିଭଳି ଝିଅ, ତାକୁ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ବାକି ତ ବଂଶ ଗୁଣ ଗୋତ୍ର ଏଗୁଡ଼ାକ ତ ଆଲୋଚନା ହେଇପାରିବ, ସେ ପାଇଁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନୁହେଁ। ତେଣୁ ଏଇଭଳିଆ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜିନିଷକୁ ଦେଖି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି ବିବାହ କରାଯାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ବିଧି ମାଫିକ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ବିବାହ କେତେ ପ୍ରକାର, ବିବାହ ହେଉଛି 8 ପ୍ରକାର, ଆମେ କେଉଁ ବିବାହ କଲେ ଆମ ଜୀବନରେ ମଙ୍ଗଳପ୍ରଦ ତା ଉପରେ ଆମେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି। ଯେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ଆମେ ବହୁତ ଆଲୋଚନା ବି ହୁଏ ସତ୍ସଙ୍ଗ ମାନଙ୍କରେ ଯେ ଆମେ କେଉଁ ବିବାହ କଲେ ସେଇଟା ଭଲ ବୋଲିକିନା ଆମେ ସବୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା ବହୁତ ଜାଗାରେ କରୁ।
तो सेई जो विवाह जो आमे आलोचना करू जे को विवाह कले आमको फलप्रद ठीक देबो बा को विवाह शुभप्रद बा को विवाह मंगलप्रद ता उपरे मु टिके विवाह आलोचना करे काहे कि एगुडा को प्राय सब जानी छथि ता परे भी मु आज टिके टिके आउथरे आलोचना कर दउ छी जे आठटा विवाह रु प्रथम विवाह होउची ब्रह्म विवाह। ब्रह्म विवाह कोन जे कन्या पक्षरु माँ बापा सतर्क रहंती कन्या पक्षरु सतर्क कोन रहंती जे पिला माने कन्यार तार चाहिदा को पूरण करे सेई पिला को कन्या बरण करे बा यज्ञ विवेचना पिला को ही कन्या बरण करे ताको ब्रह्म विवाह करे। तार उदाहरण कर रही राम सीतांकर जो विवाह से पारदर्शिता प्रदर्शन कले किए पारदर्शिता प्रदर्शन कले रामचंद्र सेठे धनु को भांगी बा धनु को उठेकिना सी सीतांक सामनारे समस्त राज राजा मैंने जो आसते तांको सामनारे से बलशाली शक्तिशाली ज्ञानी बोलिकिना विवेचना हेले तापरे सीता तांको विवाह कले सेठे कौन अच्छी यज्ञ पर किए विवेचना करेंगे तांकर परिवार वर्ग तांकर बापा माँ समस्त को लेकर विवेचना कराए से भाया द्रौपदी मेरेज होता आपण मैंने समस्ते जानते सापर आखिरे तीर मारी अर्जुन तांको पारंगम देखे विवाह करते तेणु से गुड़ाक हूँ ब्रह्म विवाह से भाया विवाह को माने पारदर्शिता योग्यता को लक्ष्य कर विवाह है। तापर सेकेंड रे कौन रही देव विवाह। देव विवाह कौन रही जे गोटे कन्या गोटे स्त्री बा गोटे झील सी तार यज्ञ बर को सी निजे चयन करवर्ग को लेकर एकुटिया नुहे ताको परिवार वर्ग को लेकिना से तार निज बर को सी चयन करे केमिति चयन करे जमी आम विश्व मोहिनी स्वयंवर होता सावित्री सत्यवान जो बहुत होता ये बहुत गुड़ाक आम देव बहुत करूतापुर रही अर्श बहुत अर्श बहुत कौन बर पक्षर लोक मैंने कन्या पक्ष को किसी मूल्य दिखती मानने डाउरी जोटा को देकना बहुटा सब कराए जो डाउरी देकना आम से बहुटा को आम कर डिमांड देकना बहुत कह जाए ताको एठरे कहुए दहेज जो डाउरी बहुत कहुए हूँ अर्श बहुत मान डिमांड देकना बहुत कराए। चतुर्थ हूँ प्रजापत बहुत ये बहुटा कौन कन्या को तांको बापा माँ को तांकर खर्च बा अभिजात संपन्न घरे बहुत दे मान तांकर थारु झियो घर थारु पुओ घर बहुत शक्तिशाली धनी अभिजात थिबा घरे जहाँ को दि जाए प्रजापत बहुत कह जाए एटरे कन्यार सहमति निया जाए ना बापा माँ जोटा चॉइस करिवे परिवार वर्ग जोटा बाछिबे सेटा ही विवाह से जगार हेबे तो ताको प्रजापत विवाह कहा जाए एटा होची कन्यार सहमति किछि निया जाए ना। तापरे गंधर्व विवाह। गंधर्व विवाह कौन जे एही विवाह रे माने बहुत प्रचलित रहिछि गंधर्व विवाह रे कौन जे जणे झियो पिला जणे पुओ पिला से माने निजे निज को पसंद करिकिना निजे निज को चयन करिवे चयन करिकिना विवाह हेबे सेते परिवार वर्ग कोनोसी प्रकार इन्वॉल्व नथिबे बा तांकर विवाह रे से माने सेठी सहयोग करिवे नै बा सेठी नथिबे से माने जानिबे भी नाही सेई भलिया जोटा कि आमे वर्तमान युग रे प्रेम विवाह कहा जाए सेई विवाहटा होची गंधर्व विवाह जेमिति शकुंतला दुष्यंतंकर विवाह होइतला बा उर्वशींकर विवाह होइतला उर्वा उर्वशींकर एई जो विवाह उडाक दि जनकर सहमति पुओ भी सहमति थी झीओ भी सहमति थी से बहुटा को आम गंधर्व बहुत कह जाए। तापर रोच असुर बहुत असुर बहुत हूँ षष्ठ बहुत असुर बहुत जोटे कि कन्यार बापा जबरदस्ती पैसा दे माने कि मूल्य दे कन्यार बापा से बहुटा कराए से झीओर कौन सी सहमति न थाए आउ किछि देखा जाइछि समाज रे बहुत धनी लोक गोटे गरीब घर झीव को पसंद करती से किंतु राजी न थाए ताकु बहुत अर्थ दियंती ता बापा को ताकु अर्थ देकिना ताकु विवाह करती तो सेई विवाहटा को कहा जाए जे असुर विवाह जोटा कि कन्या पिता को दे ताकु पटेकिना विवाह करा जाए। तापर रहिछि राक्षस विवाह। राक्षस विवाह कि कन्या वर्गर बिना सहमति रे कन्या घरर बा कन्या वर्गर बिना सहमति रे अपहरण करी ताको विवाह जोटा को करा जाए ताको उठेकिना नहींकना ताको जबरदस्ती विवाह करा जाए कन्यार भी सहमति न थाए बा
कन्या पक्षर भी कहारी सहमति न थाए से भाया क्षेत्र में जो बहटा कराए राक्षस बहुत कहुए तापर पैसाच बहुत अष्टम हूँ पैसाच बहुत पैसाच बहुत कौन जे पैसाच बहुत कौन कराए बहुत जगह देखा जाइए कौन सी पिला कौन सी झील सहित शारीरिक संपर्क कर सहित सतान तखे रखी ताकू ब्लाकमेल कर बहुत करने बा कौन सी प्रकार निशा द्रव्य दे ताकू बहुत करने कौन सी प्रकार जे माने ताकू टॉर्चर करना बहुत करवा धमकना बहुत करवा भाया बहुत गुड़ाक सब पैसाच बहुत कहुए ताने सबुठ श्रेष्ठ बहुत कह देव बहुत ब्रह्म बहुत ये गुड़ाक हूँ सबुठ श्रेष्ठ बहुत ये बहुटा भल जोटे कि डाउरी ना डाउरी नाटा भी बहुत प्रकार विपज्जनक तेणु ये आठ प्रकार बहुत अच्छी आमे आम जीवन में समस्ते प्राय ये जो भाई मैंने जॉइन करें समस्ते बहुत करे बहुत जो मैंने करे आम प्रतिज्ञा भी करें जड़े पुओ सतटा प्रतिज्ञा करें झील भी सतटा प्रतिज्ञा करें कौटी प्रतिज्ञा करें गोटे बेदी में क्या सामने अग्नि सामने परिवार वर्ग सामने यही सब आम सब प्रतिज्ञा करण प्रतिज्ञा कर आउ थ मुझे मुझे युवाक आलोचना गुड़ाक प्राय बोधे मुझे भावुची करें कहीं आलोचना गुड़ाक मुझे करुच्ची यहाँ बहुत समय बहुत आवश्यकता जिनस आउ यो आज सतटी वचन रहा आउ थे मुझे रिपीट करी बहुत समय आम प्रतिज्ञा करें बोधे बहुत भाई मैंने माँ मैंने गुड़ाक भूली जाती मुझे आउ थ मन पकईदेवी मुझे आउ थ कहि जो बहुत समय जड़े पुओ को ता स्त्री गोटे पुओ ता स्त्री को कौन वचन दे था आमको मन रखा दरकार परिवारटा सुख आ समृद्धि हे कहीं देवता 33 कोटी देवदेवता से अग्नि भितर था परिवार वर्ग था बंधु बांधव था समाज थाए से ब्राह्मण था स्वयं अग्निदेवता सामने आम प्रतिज्ञा कर प्रथम प्रतिज्ञा कौन थाए जे तीर्थ व्रत होम यज्ञ दान आदि सबू धर्म कार्य तुम सहित मुझी एटा किए प्रतिज्ञा कर जड़े पुरुष ताक स्त्री को प्रतिज्ञा करें जहाँ भी कर्म करी तुम सहित करी तीर्थ व्रत होम यज्ञ दान युड़ाक द्वितीय कौन होता है द्वितीय होता है मोर धर्मपत्नी को अर्धांगिनी भाव आज ठार ग्रहण कली आज ठार तार प्रति क्षेत्र में मोर अधा अंग बोलिकिना भावी माने अर्धांगिनी बोली भावी यहाँ हूँ द्वितीय वचन से किए कर जड़े पुरुष तृतीय वचन कौन कर मोर धर्मपत्नी को घर लक्ष्मी भाया देखी आते पर्यत मु बची थी तार भरण पोषण दायित्व मु ग्रहण करी एटा पुरुष स्त्री को वचन दे था चतुर्थ वचन कौन थाए जे मु मोर पितामाता भाया तुम पितामाता भी आदर जत्न करी जड़े पुरुष बा जड़े पिला सी तर बापा माँ को जमी सेवा जत्न कै से स्त्री जी आसवे भी सी प्रतिज्ञा कर तुम बापा माँ को भाई भी तर भी आदर जत्न नेबी मु तुमको कौन सी परिस्थिति रे अपमान करी ना चतुर्थ नियम पंचम नियम कौन थाए जड़े पुरुष करे जे घर देन नेण समय तुम परामर्श करी जहाँ भी देन नेण हे टा पैसा आरंभ कर जहाँ भी होना कहीं प्रत्येक देन नेण रे मु तुमको बुझी पचारिका सब कम करी षष्ठ वचन कौन थाए मोर दुख सुखरे बा मोर दुखरे तुम्हें दुखी मोर सुखरे तुम्हें सुखी हेबो एवं गृहस्थ आश्रम रे समस्त कार्य संपादन करिवो आउ सप्तम वचन कौन थाए मु अग्नि को पितामाता को बंधु बांधव को गुरुजन मानंकु साक्षी रखी कहुची जे आज ठारु तुमको मोर स्त्री रूपे ग्रहण कले ताने आमे ए सातटी वचन आमे कहा को दे था आमे आमर स्त्री को दे था आमे ताकु पालन करुची तो एटा जानिबा दरकार आ स्त्री कौन वचन दे था से भलिया जे स्त्री वचन दे था जे तीर्थ व्रत होम यज्ञ दान आदि सब कर्म रे आपणकर आप्राणयता सहयोग करी सह सहयोग करी आपण जहाँ भी कर्म करेंगे सेटा को मु आपन को सहयोग करी द्वितीय कौन थाए
शाशु शशुर देयर नणंद परिवार वर्ग बा बंधु बांधव जे माने थिबे तांकर चिर काल पर्यंत सेवा जत्न करिबी एवं विश्वास रे केबे भी बाधा देबी नाही। माने परिवार जहाँ भी गाई गोरु छेली मेंढारु आरंभ करिकिना बा शाशु शशुर बंधु बांधवर सेवा जत्न स्त्री करिव बोलिकिना प्रतिज्ञा करिथाय कहाकु से अग्नि सामने 33 कोटी देवादेवी परिवार वर्ग बापा माँ बंधु बांधव समस्त सामने से प्रतिज्ञा करिथाय। तृतीय वचन कौन थाए जे आपणकर आज्ञा पालन करिवि आपण जहाँ कहिबे सबुरे संतुष्ट होबि। जदि आज खाइबार नाही खाइबेनि आज जदि पैसा पत्र अभाव अछि अभाव अछि प्रत्येक क्षेत्र में सी सीटा को मेकअप करना चलिए यहाँ जड़े स्त्री ताको स्वामी को वचन दे था। चतुर्थ वचन कौन थाए जे आपणकर सुखरे सुखी दुखरे दुखी हेबी एवं दुखरे सबुबले सहायता करी। पंचम वचन थाए मो स्नानादि समस्त श्रृंगार धारण रूपक मन वचन गर्भरे आपणकर साथी रे रहिबि माने साजसज्जा स्वामी पई ही हेबी अन्नर छाई मु माड़ी ना अन्न पुरुषर मु छाई माड़ी ना एटा प्रतिज्ञा करथाय। मु आपण को षष्ठ वचन होची मु आपण को कोनोसी परिस्थिति रे त्याग करी भी नहीं पर पुरुषर छाई माड़ी भी नहीं माने जहाँ भी विपद आपद आसुना कहीं मु तुमको त्याग करी केबे भी जीवी ना। आज तो आम डाइवोर्स केस दे दौचे तेणु ये षष्ठ वचनटा जहाँ भी परिस्थिति आसो मु ताको मुकाबला करी रही। आ सप्तम वचन कौन जे आपण करुथिबा धर्म अर्थ काम संबंधी समस्त कार्य आपणक सहित संपादन करी अग्नि को पितामाता साक्षी रखी मु प्रतिज्ञा करुची जे आज ठारु आपण को स्वामी रूप में मुझे ग्रहण कली आउ आपण सहित चिरकाल रही। एतिकी जिनिष आमे प्रतिज्ञा करी थाउ कहा पाखरे प्रतिज्ञा करी थाउ परिवार वर्ग अग्नि 33 कोटी देवादेवी पाखरे आमे एतिकी जिनिष आमे प्रतिज्ञा करी थाउ काहेकि प्रतिज्ञा करी थाउ जे सुख दाम्पत्य जीवन तापर भी बहुत क्वेश्चन आसे आमे तो विभिन्न प्रकार जातक देखेलु विभिन्न प्रकार नियम विधि विधान पालन कलु तापर भी आम जीवन में कहीं कष्ट आसुच्छे शास्त्र भीतर को पशिला भितर बहुत किछ आलोचना करा जाए जहाँ को जेते बेले जेते भीतर को पशिबे सेते भीतर को तार आप गभीर को पशि पशि जिबे सेते आपन को बहुत बहुत क्वेश्चन बाहर तार गोटे ही जिनिस जो माने पूर्व जन्मर कर्म फल भोग करी नहांती एई जन्म रे तांकु भोग करिबा पई ही पड़िबो किंतु विधि विधान पालन कले ताहा अल्प बहुत के तार खंडन हुए आ विधि विधान को ठाकुर भी मना करी नहांती सेती पई तो आमे जते बेले देवघर को जाऊ जते बेले आशीर्वाद मागू सेते बेले ठाकुर परिवार रे जहाँ को भी आपण आशीर्वाद मारंतु सेमाने कौन कहिबे ठाकुर परिवार जे तमे जाई जातकटा दि जणकर मेलक कर कहीं कहते विधि विधान बाहर तो सी कहते ना जहाँ मुझे तुमको आशीर्वाद देदेली तुम सब मंगल हो मिराकेल कथा के कही ना ठाकुर परिवार विधि विधान सिस्टम रे जीवापी प्रत्येक क्षेत्र में तेणु तो ठाकुर पर आम जो आशीर्वाद मांगा जाऊ से आम प्राय गुरु किंकर पांडे पाखे आम जतक देखाऊ तापर जाइ हुए मेलक आम करू आहुत पर कौन करती से मैंने एडजस्टमेंट करती बहुत जगह देखी ना भी बहुत चेंज कर दिखती बहुत समय जोटा कि बहुत बड़ विपद जन्म नक्षत्र कूल वंश जाति गोत्र आम तो कौन ताकू तो परिवर्तन करातकटा जो नक्षत्र जो दिन जो समय से जन्मग्रहण करें चेज कर पार्बा नहीं नाटा चेज करदे कौन तक सुख दाम्पत्य जीवन हो नुहे गोटे मनर सांत्वनाई आम नाटा चेज करू किंतु तार सॉल्यूशन जे गोटे नाट हो पाए टिके अथे कौन टिके चेंज हो जाए किंतु पूर्ण मात्रा रे तार समाधान नुहे तेणु प्रत्येक जिनिष आम जदि ठीक ठीक भाव में सुख दाम्पत्य जीवन पर आम सिस्टमेटिक आम करू ताल आम जीवन टा सुख दाम्पत्य जीवन बहुत जगार देखा जाए आम गोटे सुंदरिया झील को देखिकिना बहुत करदे सुंदर हैंडसम पिलाटा को देखिकर आम बहुत करदे अरे विवाह करले कौन से हैंडसम टा तुम्हें कौन कर जीवन सारा जदि दाम्पत्य जीवन जीवन सारा दुखमय हो जाए तार स्वामीटा मरीज कल स्त्रीटा मरीज तुम्हें कौन कर तेणु ये सौंदर्य कथा नुहे
ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷର ମେଳକର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଜଣେ ଯଦି ଗରିବ ଘର ପିଲାଟା ଯଦି ଗୋଟେ ଝିଅ ସେଇଠିକୁ ଯାଏ, ତାଙ୍କର ଜାତକ ମେଳକ ଠିକ୍ ଥାଏ, ତାହେଲେ ସେ ଗରିବ ଘର ଛୁଆଟା ଗୋଟେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସିଏ ଗୋଟେ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟଶାଳୀ ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣ ଗୋଟେ କୁହାଯାଏ ଯେ ଜଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଗୋଟେ ପୁରୁଷର ବା ଗୋଟେ ପିଲାର ଭାଗ୍ୟ ଯଦି ନଥାଏ, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ଆସିଲା ପରେ ତାର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଯାଏ। ତାର କାରଣ ହୁଏ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଜାତକ ମିଶେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଅଗ୍ନିରେ ସାକ୍ଷୀ ରଖିକିନା ତାର ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ବୋଲିକିନା ସେଠି ପ୍ରମାଣିତ ହୁଏ ବା ସେଠି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରେ। ଅର୍ଦ୍ଧାଙ୍ଗିନୀ ମାନେ ୟାର ଅଧା ତାର ଅଧା। ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଜାତକ ମିଶିଯାଏ, ଧରି ନିଅନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ଯେ ସ୍ୱାମୀର ପୁତ୍ର ଯୋଗ ନାହିଁ, ମାନେ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ନାହିଁ ତା ଜାତକରେ, କିନ୍ତୁ ସ୍ତ୍ରୀର ଅଛି ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ତା ଜାତକରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଦୁଇ ଜଣଙ୍କର ବିବାହ ହବ, ତ ଜଣକାର ନାହିଁ ଜଣକାର ଅଛି, ତ ତାର ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେବ ନାହିଁ, ହବ ତାର ହବ, ନିହାତି ହବ। ତେଣୁ ଜଣେ ଆଉ ଜଣେ ଆସିଲା ପରେ ତାର ଭାଗ୍ୟର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖା ହେଇଛି ବିବାହ ପରେ ବହୁତ ପିଲା ଚାକିରି ବି କରିନଥାନ୍ତି, ବିବାହ ପରେ ତାଙ୍କର ଚାକିରି ହେଇଯାଏ, କୌଣସି କାମ କରୁନଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ରୋଜଗାର ବି ରାସ୍ତା ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ସଲ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ଏଇ ଜିନିଷର ସମାଧାନ, ଏଇ ଜିନିଷର ଦିମାଗ ବା ଏଇ ସିଷ୍ଟମରେ ଯିବାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଜିନିଷ କେଉଁମାନେ କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଇଷ୍ଟ ଥାନ୍ତି, ଗୁରୁ ଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏଇ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ଆହରଣ ହୁଏ ବା ସେମାନେ ଜ୍ଞାନଟାକୁ ବାହାର କରନ୍ତି, ବା ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁରୁଭାଇମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରୁ କରୁ ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ବିବେକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଆଉ ସୃଷ୍ଟି ହେବା ଭିତରେ ସେ ଠିକ୍ ଜିନିଷଟା ବିବେଚନା କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ଯାହାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୁରୁ ହିଁ ନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବ କିଏ? ଏ ସମାଜରେ ତଥାକଥିତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଯଦି ଆମେ ଜ୍ଞାନ ମାଗିବା, ସେମାନେ କେବେ ବି ଆମକୁ ସମାଧାନର ଜ୍ଞାନ କେବେ ବି ଦେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମିତି ହେଇଥିଲେ ତ ବହୁତ ପରିବାର ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିପାରିଥାନ୍ତେ। ଆଉ ଯାହାଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଆଦର୍ଶ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ତାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଯେଉଁଟା ବି କରାହୁଏ ସେଇଟା ହିଁ ସଫଳ ହୁଏ। ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ କାହିଁକି ଛୋଟବେଳୁ ମାନେ ଜନ୍ମରୁ ହିଁ କୁହାଯିବ ଯେ ଦେଉଘରକୁ ମୁଁ ଯାଉଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରାୟ ସମୟରେ ଦାଦାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ମୁଁ ପ୍ରାୟ ବସୁଥିଲି। ଆଜିର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସମୟ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଛି। ବହୁତ ଭାଇ ମା ମାନେ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଆସନ୍ତି, ଏଇ ନିବେଦନ କରିବା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସେ, ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଭିତରେ ନିଜର ବି ସମାଧାନ ହୁଏ, ଆଉ ସେଇଠାରେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥାନ୍ତି ତାଙ୍କର ବି ସମାଧାନ ହେଇଯାଏ। ଆଉ ସେଠାରେ ଯାହା ବି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ତାକୁ ପାଳନ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର 100% ସଫଳ ହେଇଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ପାଳନ କରନ୍ତି, ମୋର ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରିବି। ଜଣେ ମାଆଟି ତାଙ୍କର ପରିବାର ବର୍ଗକୁ ବିବାହ ଘର ପାଇଁ ସେ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେବା ପାଇଁ ଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲେ, ଆଉ ସେଇଠି ମୁଁ ବି ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲି, ସେଠି ବସିଥିଲି ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ। ସେଠି ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଣାମ କଲେ, ପ୍ରଣାମ କରିକିନା ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କଲେ, ଦାଦା ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ବହୁତ ଭଲ। ସେ ପଚାରିଲେ ଯେ ପିଲା କ'ଣ କରେ, ତ ସେ କହିଲେ ସାଇଣ୍ଟିଷ୍ଟ ଅଛି, ତ ଯାଉଛି ବହୁତ ଭଲ, ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। ଆଶୀର୍ବାଦ କଲା ପରେ ସେ ଝିଅ ପରିବାର ବର୍ଗ ବାହାରକୁ ଆସିକିନା, କିଛି ଦୂରକୁ ଆସିକିନା ଫିଲାନ୍ଥ୍ରୋପିଷ୍ଟ କୋଣରେ ଠିଆ ହେଇକି ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଝିଅ ତ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ଆଉ ଚାକିରି ସେ କରିବ କି ନାହିଁ ତାକୁ ଟିକେ ନିବେଦନ କଲେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଏଇଟା ପାଖାପାଖି 98 ବା 99 ମସିହାର କଥା। ତ ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଯାଇକିନା ତାଙ୍କର ପରିବାରବର୍ଗ କଥା ହେଉଛନ୍ତି ଯେ ଝିଅ ତ ମେଡ଼ିକାଲ ପଢ଼ିଛି, ତାର ବିବାହ ଘର କରିଦିଆଯିବ, ଆଉ ସେ ଚାକିରି କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁଛି, କି ଚାକିରି କରିବ କି ନାହିଁ ଏଇଟାକୁ ଟିକେ ନିବେଦନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର କିଛି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ କହୁଛି ନା ନା ନିବେଦନ କରିବା ନାହିଁ, କାହିଁକି ଠାକୁରଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅଛି ଯେ ଝିଅ ପିଲା ଚାକିରି କଲେ ଅସୁବିଧା, ତେଣୁ ଆଉ ତାଙ୍କର ବାପା ମା ଆଉ ସେ ଝିଅ ଜିଦ୍ ଧରିଛି ଯେ ମୁଁ ଚାକିରି ହିଁ କରିବି। ତ କିଛି ଭାଇମାନେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ଗ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦାଦାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କଲେ ସେ ମନା କରିଦେବେ, ତେଣୁ ତୁମେ ନିବେଦନ କର ନାହିଁ। ଏଇ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଭିତରେ ତାଙ୍କ ବାପା ମା କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆମେ ଯାଇକିନା ନିବେଦନ କରିଦେବା, ଏତେ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକିନା ତ ଝିଅକୁ ଆମେ ପଢ଼େଇଛେ, ଦେଖିବା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ ହେଲା, ଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେବେଳେ ନିବେଦନ ହେଲା ସେତେବେଳେ ଦାଦା ମନା କରିଦେଲେ ଯେ ସେ ଝିଅ ଚାକିରି ନ କରିବା ଭଲ, ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ମନା କରିଦେଲେ। 2005 ମସିହାରେ ସେ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିକାଲ ନର୍ସିଂହୋମ୍ରେ ସେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ସେ ଝିଅଟି ବିବାହ ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଖଣ୍ଡିଆ ହେଇଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ଦେଉଘରକୁ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଗୋଡ଼ ପିନ୍ଧିକିନା ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇଥିରେ ସେଇଦିନ ସେ କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ନାରୀ ନୀତିରେ ଯେଉଁଟା ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ବା ନାରୀ ନୀତିରେ କହିଛନ୍ତି, ସେଟାକୁ ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେଇଟା କ'ଣ ମିଥ୍ୟା?
जदि ठीक अच्छे बहुत जगार मत बहुत क्वेश्चन भी आसी आम आचार्य देव पाखे नवेदन करूँ झील को आशीर्वाद दे चाकरी तो नारी नीति तो कहीं चेंज हलानी जदि आचार्य देव ठाकुर परिवार आशीर्वाद देती कौन गोटे दीज को आशीर्वाद दे पारती कितु जदि आशीर्वाद देती तो नारी नीति तो कहीं चेंज कले ना ठाकुर जो कथाटा कही से कथा केबे चेंज हो पार ना आ ठाकुर जो कथाटा कही सेटा को जड़े जदि पालन न करे जिद करना बाध्य करना ठाकुर परिवार को आशीर्वाद से बाध्य कर दिए से निजे ही क्षति में पड़े तेणु सत्यानुसार नारी नीति जहा जहा लेखाई आम कंटाई कंटाई पालन करवा आए पालन न करे तार विधान रे जी व्यतिक्रम तार देखा जाए ताने तार जीवनटा भी व्यतिक्रम हो जाए तेणु समय हो जाए मत समय दि जाइला से परिप्रेक्षी में आ गोटे मिनिट अच्छी एतिक कही मोर वक्तव्य शेष करुच्चे जो मैंने उपस्थित अनुपस्थित समस्त पारिवारिक जीवन मंगलमय हो समस्ते शांति स्वस्ति निरामय जीवन जापन करूँ एवं कार्तिक दांकर एवं रामेश्वर भाई विज्ञान भाई ये जो प्रचेषा चली भी पंचमहाजीवन इष्टीपुत समय शांति स्वस्ति निरामय जीवन जापन करूँ यहाँ परम पिता निकट में मोर प्रार्थना जय गुरु दादा जय गुरु।